हेलो एवरीवन, जर्नल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट वन। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पेपर थर्ड पेपर है जो कि 2020 में आया था। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन सा क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर है सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 34 रहेगा। 34 नंबर का ये पेपर आपको मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, बी और सी में। सेक्शन ए यानी खंड आ की बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि होंगे। 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तीनों अटैम्प्ट करने होंगे। पहला क्वेश्चन अगर देखें हम, परिपथ विश्लेषण हेतु थेवेनिन प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। नीचे दिए गए परिपथ के लिए नॉर्टन तुल्य परिपथ खींचिए, ये दे रखा है। इसके आधार पर आपको थेवेनिन प्रमेय लिखना होगा। अथवा में क्वेश्चन और दे रखा है, यहाँ पर देखिए, एक संधारित्र के आवेशन का वर्णन कीजिए जिसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व लगे हों। परीक्षण कीजिए कि क्या एक परिपथ जिसमें 3 माइक्रोफेराइड का संधारित्र L इक्वस टू 0.18H तथा R बराबर 15 ओम के साथ है, निरावेशन दोलनीय होगा। ये आपको बताना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 7 नंबर दिया जाएगा, चाहे तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन करें या ये करें, एक क्वेश्चन आपको इसमें करना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पीएनपी ट्रांजिस्टर के ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के एक परिपथ आलेख खींचिए, उसका अभिलक्षणिक वक्र खींचिए और उसके मुख्य लक्षणों को लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर का रहने वाला है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा होगा, डायोड के लिए ऊर्जा बैंड चित्र खींचिए और उनका विवरण दीजिए जब वह अनभिनत अग्र अभिनत व पश्च अभिनत हो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस साल के लिए, दोनों आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मॉड्यूलेशन की क्या आवश्यकता है। आयाम मॉड्यूलेशन का वर्णन कीजिए और दर्शाइए कि आई एम मॉड्यूलित तरंग द्वारा लाई गई कुल ऊर्जा PT=PC1+MC2/2 का हो ब्रैकेट है कि द्वारा दी गई है, जहां प्रतीकों का अपना अलग अर्थ है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके साथ में अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, वो भी आप देख लीजिए। हार्टले दोलित का परिपथ आलेख खींचिए और इसकी क्रियाविधि समझाइए। एक हार्टले दोलित जिसमें L1=100 μH, L2=50 μH एंड M=10 μH तथा C=12 pF है का फीडबैक अंश का गणना कीजिए। इसी के साथ सेक्शन आता है बी खंडबार, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कई 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, कोई भी 5। जैसे कि पहला है एवलांशी एवं जनरल भंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ के जाइए। उसके बाद है ट्रांजिस्टर में बायसिंग क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट है एक CRO का ब्लॉक परिपथ खींचिए। नेक्स्ट है मल्टीमीटर से क्या आपका क्या तात्पर्य है। लाभ व डेसिमल लाभ को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है वीन सेतु का आलेख खींचिए। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है एक ट्रांजिशन के लिए IC=6 mA और IB= दे रखा है 50 μA। ऐसी प्रकार से ICBO के लिए दे रखा है 1 μA, तो बीटा की गणना आपको बतानी है। सेक्शन सी आ जाता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुविकल्प मिलेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है 1 kHz का संकेत उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक अनुकूलन परिपथ है। ये देखिए 4 ऑप्शन है, कोई एक सही होगा। इसी प्रकार से एम्पलीफायर एक परिवर्तक में होनी चाहिए, क्या होना चाहिए वो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ में कौन सा पदार्थ अर्धचालक नहीं है ये बताना है आपको। लीकेज विधि में प्रतिरोध का मान कितना होता है ये बताना है। अक्सर प्रयोग होने वाला ट्रांजिस्टर विन्यास क्या है, ये क्वेश्चन आपको बताने हैं। ये मैंने पूरा पेपर आपको बताया है, फॉर्मेट बता दिया है पेपर का, जो कि MJPRU महात्मा ज्योतिबा फुल्ले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का पेपर BSc पार्ट 1 के लिए है। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।